दोस्तों, तो न्यू कैंपिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। ये देख सकते हो आप, पीछे तगड़ी सी धूप लगी हुई है और नीचे सुंदर सा व्यू। हमने इधर सतेरा खाल दिख रहा है और अभी मैं गांव के रास्तों पे जा रहा हूँ और मेरे साथ हैं आर्यन भाई। हेलो। आज की लोकेशन ये रहने वाली है यहाँ ऊपर। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे आ गई है और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जगह पहचान ली होगी। तो ये जगह, हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ, संदरमाड़ी वाली रोड है। ये देख सकते हैं आप, ये जारी है और इधर गाड़ी लगाई जाएगी अभी। तो अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी करते हैं फिलहाल लकड़ियां कलेक्ट, क्योंकि भाई ये देख सकते हैं आपकी सूरज भी छुपने वाला है, फटाफट लकड़ियां इकट्ठी करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अभी। भाई बहुत मेहनत लगी है। क्यों आर्यन भाई? बिल्कुल भाई, कौन फायर के लिए अपनी लकड़ियां भी इकट्ठी हो गई है। अभी टेंट पिचअप करने और सामान लगाने की बारी है भाई, और अंधेरा भी होने वाला है, तो फटाफट से करते हैं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो अपना टेंट भी पिचअप हो चुका है और ये आर्यन भाई अभी क्या बोलते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और मैं करूँगा, सामान निकालूँगा। अभी सामान लगाते हैं भाई बाहर पे। तो आज शाम के टाइम पे कॉफ़ी वूफी कुछ नहीं है, क्योंकि आज हम बनाएंगे एक नई सी चीज़, नई सी डिश। और आर्यन भाई यार बारबेक्यू लाए हैं आज, तो उसका इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं क्या बनता है भाई। ये जो निकले हैं ना क्यूब्स, इनको एक एक करके क्यूब्स को मेरा भी हो रहा है ना, अब बोन फायर करनी जरूरी है। जरूरी है, ये हमारी बोन फायर हो गई है और भाई अभी अंधेरा होने वाला है। हमने आग जल्दी जला ली है क्योंकि हमें खाना बनाने का प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना है, कोयले बनाने हैं यहाँ पे। तो भाई डर भी है, बोन फायर जल्दी करती है इसलिए। तो दोस्तों ये अपनी कटिंग हो रखी है, अभी करेंगे पनीर की कटिंग। पनीर क्यूब्स, ठीक है ना, अब बढ़िया से पनीर टिक्का बनाएंगे। आर्यन भाई ने
पनीर और प्याज जो कटा रहा हूँ कटिंग करी थी वो मैरिनेट कर लिया अच्छे से मसाले में। और मैं भून रहा हूँ यहाँ पर आटा। गाइस ये देखो स्टिक बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया हमने। एक लाइट हमने वहाँ पे लगाई है ताकि हम सतर्क रह सके कोई भी अगर हरकतें यहाँ पे होती है। ठीक है, हमने इसमें कोयले भी डाल दिया है और स्टिक्स ऊपर से रख दी है कि हमारी बोन फायर भी जल रही है। तो यार क्या ही मज़ा आएगा यार, मज़ेदार होने वाला है बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे अपनी सीख सेकी जा रही है, अच्छे से बटर लग रहा है और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पराठे। आर्यन भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया बनाने का, टाइ तो यही है। हाँ ये काट लिया जाए भाई। ये देखे भाई अपना पनीर टिक्का रेडी और इधर पराठे भाई ने बना दिए बढ़िया। भाई जी तो भाई इसका कैसे बने, एक कमी रह गई, अगर इसमें भाई क्रीम होती ना भाई मज़ा आया और मज़ा है। टेस्ट करके बताओ कैसे। अपना डिनर भी हो चुका है, ये बॉन फायर जल रही है तो डिनर करके यार बॉन फायर करने सीखने का कुछ अलग ही मज़ा है। रात की ठंड भी होती है तो बॉन फायर का मज़ा लेते हैं थोड़ी देर और उसके बाद चलते हैं अपने टेंट की और सोने को। अभी बॉन फायर सीखते सीखते बहुत टाइम हो गया है और बुझ भी गई है और टाइम हो गया भाई अभी 12:30, तो चलते हैं भाई अंदर को सोने को। तो गाइस इसको भी निकाल देते हैं, अभी ले चलते हैं सामान पैक करने को। दोस्तों अपना स्लीपिंग बैग वगैरह भी बिक चुका है और अभी चलते हैं भाई सोने को और मिलते हैं एक बढ़िया सी गुड मॉर्निंग के साथ। फिलहाल अभी गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह 7:30 और भाई देख सकते हैं आपकी हल्की धूप आने वाली है अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में। तो दोस्तों अभी बढ़िया सी धूप भी आ गई है और यार सुबह की ठंड हो रही है। दोस्तों अपना दूध तो फट चुका है भाई और कॉफ़ी ऐसी आधी गिर कर और चीनी डालकर पीते भाई।
आज दूध नहीं पड़ा है क्योंकि दूध फट गया है, और ऐसे ही कॉफ़ी डाली है आधी, तो उसको पियेंगे। भाई सामने भी भाई डी फॉरेस्ट है इधर को, और ये रोड जा रही है, तो इस रोड से हम कल आए थे। थोड़ा आगे जाके आप लोगों को बता देता हूँ। रात को नींद भी कमी आई है क्योंकि मेरे लिए भी ये नई लोकेशन थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट कैंपिंग ब्लॉग में। फिलहाल के लिए बाय बाय अभी।